सो गाइस क्या सारा है आप लोग मस्त हो गए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप स्लो मोशन वाली वीडियो कैसे बना सकते हो, वो भी बड़ी आसानी से अपने मोबाइल फोन से। आपने रील्स पे देखा होगा कि पहले स्लो मोशन, फिर फास्ट मोशन, फिर स्लो मोशन, फिर फास्ट मोशन, इस तरीके की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। तो आप इस तरीके की वीडियो कैसे बना सकते हो, आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, काफी ज्यादा खास होने वाली है। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हैं स्टार्ट। बट यार आगे बढ़ने से पहले तुम्हारा भाई तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता है कि चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, तो जाके देखो ट्यूटोरियल, मिलता हूं आपसे वीडियो के एंड में। सो गाइस यहां मैं आज को मोबाइल के स्क्रीन पर तो सिंपल से आपको स्लो मोशन फास्ट मोशन वाली वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है काइन मास्टर। आज मैं आपको काइन मास्टर से ही स्लो मोशन फास्ट मोशन बनाना सिखाऊंगा। तो सिंपल से आपको काइन मास्टर डाउनलोड करना है, किसी ब्राउजर से आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद जैसे आप उसे डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, यहाँ पे आप उसे ओपन करोगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक बीच में बड़ा सा जो है प्लस का आइकॉन दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे साइड में मेरे दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको बीच में दिखेगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये वाला रेशियो, आपको बीच वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे आपके सामने सारी की सारी वीडियोज आ जाएंगी आपकी गैलरी के। बट अगर नहीं आए तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जैसे कि अभी आप देख सकते हो। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जिस भी वीडियो में स्लो मोशन फास्ट मोशन देना है उस वीडियो को सबसे पहले आपको इम्पोर्ट करना है। तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे आपको मीडिया का ऑप्शन सबसे ऊपर दिख जाएगा, ये व्हाइट व्हाइट सा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके गैलरी के सारे वीडियोज आ जाएंगे। अब आपको उस वीडियो को सेलेक्ट करना है जिस वीडियो में आपको स्लो मोशन फास्ट मोशन देना है। तो चलिए हम कर लेते हैं सबसे पहले उस वीडियो को सेलेक्ट। तो यहाँ पे उस फोल्डर को चूज करना है, वीडियो को सेलेक्ट करना है, वीडियो अपने आप इंपोर्ट हो जाएगी, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे हमको इस वीडियो में जो है वो स्लो मोशन और फास्ट मोशन देना है। मैं एग्जांपल के लिए सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको यही मेथड जाके अपने वीडियोस के ऊपर अप्लाई कर देना है, आपके वीडियो में स्लो मोशन फास्ट मोशन लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये वीडियो मैंने इंपोर्ट करी, अब इसी में मैं आपको स्लो मोशन फास्ट मोशन करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहो, बहुत ही आसान है, जल्दी से खत्म कर दूंगा। तो यहाँ पे ये मैंने इसके फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे आपको लेकर आना है फर्स्ट पॉइंट पे। और उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जिस भी आप जो है वो वीडियो में स्लो मोशन और फास्ट मोशन देना चाहते हो उसका साउंड आपको सबसे पहले निकाल लेना है, या फिर उसमें पहले से ही आपको साउंड को ऐड कर लेना है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर मान लो आपको इसी वीडियो का जो है साउंड चाहिए तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और इधर नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक्सट्रैक्ट ऑडियो। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे साउंड आपका निकल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। बट अगर आपको दूसरा साउंड चाहिए तो यहाँ पे आपको ऑडियो दिख जाएगा, ऑडियो का ऑप्शन। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपके फोन के जितनी भी MP3 साउंड्स होंगे वो आ जाएंगे, आप इसे ऐड कर सकते हो अपनी वीडियो में। बट अगर आपको किसी वीडियो में से चाहिए, मतलब कि कोई वीडियो आपने डाउनलोड कर रखी है उसका साउंड आपको पसंद आ गया और उसी को आपको ऐड करना, तो आप क्या करोगे, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको यहाँ पे लेयर का ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, मीडिया ऊपर दिख जाएगा, मीडिया पे क्लिक कर देना है और आपके गैलरी के सारे वीडियोज आपके सामने फिर से आ जाएंगे। और जिस भी फोल्डर में आपकी वीडियो हो उस वीडियो को आपको चूज कर लेना है। तो मान लो मैं एक वीडियो चूज कर लेता हूँ कोई सी, तो अभी ये वाला वीडियो मैंने चूज कर लिया, मान लो ये देख सकते हो आप, ये वीडियो मैंने चूज कर लिया, मान लो मुझे ये वाला वीडियो पसंद आ चुका है, इसका साउंड जो है मुझे पसंद आ चुका है। तो आपको करना क्या है, कुछ इस तरीके से जब आप उस वीडियो को इंपोर्ट कर लोगे चूज करके तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो दिख जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर दोगे। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो साउंड निकल के आ चुका है, बट हमको वीडियो नहीं चाहिए। तो वीडियो के लिए आपको उसको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको साइड में डिलीट का ऑप्शन दिख जाएगा ये वाला, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही वीडियो गायब हो जाएगा और आपका साउंड सिर्फ बचा का बचा रह जाएगा। बट अब चलिए हम एडिट करके आपको दिखाते हैं कि अब हमारा वीडियो कैसे एडिट होगा। सबसे पहले आपको ऊपर वाले साउंड पे जाना है और इसके साउंड को यहाँ से म्यूट कर देना है, ठीक है, जिससे आवाज ना आए। तो यहाँ पे हमने म्यूट कर दिया। अब इस पॉइंट को आपको सबसे ध्यान से देखना है क्योंकि यही पॉइंट है जिसमें आप स्लो मोशन और फास्ट मोशन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से लेकर आना है और यहाँ पे आपको बीच से कट करना है। मान लो यहाँ से हमको फास्ट मोशन या फिर स्लो मोशन देना है तो बीच से, सॉरी, तो यहाँ पे आपको लेकर आना है और कुछ इस तरीके से क्लिक करना है और यहाँ पे मान लो यहीं से हमको अब फास्ट मोशन या फिर स्लो मोशन देना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पॉइंट पे लेकर आना है जहाँ से आपको स्लो मोशन चाहिए या फिर फास्ट मोशन चाहिए, उस पॉइंट पे लेकर आना है और यहाँ पे आपको सीजर पे जाना है और यहाँ पे आपको बीच से ये स्प्लिट वाला ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर मान लो आपको आगे की तरफ लेकर आना है और यहीं से अब आपको जो है वो जहाँ तक आपको चाहिए स्लो मोशन, मतलब या फिर स्लो मोशन या फिर फास्ट मोशन, वहाँ तक आपको चूज कर लेना है। मान लो अब यहीं तक मुझे फास्ट मोशन चाहिए, ठीक है, तो मैंने फिर से बीच से स्प्लिट कर दिया। फिर अब यहाँ तक मुझे जो है वो स्लो मोशन चाहिए, ठीक है, तो यहाँ तक मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, सीजर पे जाऊंगा, मतलब कैंची पे जाऊंगा और फिर से ये वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, बीच से कट हो जाएगा। अब फिर मुझे जो है वो नॉर्मल चाहिए, मुझे ना स्लो मोशन चाहिए ना फास्ट मोशन, तो फिर आपको करना क्या है, यहाँ पे लेकर आना है बीच में और यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे अब आपको फिर से स्प्लिट कर देना है। सबसे पहले स्लो मोशन करने से पहले आपको डिसाइड करना है कि कहाँ से कहाँ तक आपका स्लो मोशन रहेगा, कहाँ से कहाँ तक आपका जो है फास्ट मोशन रहेगा। उस क्लिप को डिसाइड करके कुछ इस तरीके से आपको अलग अलग पार्ट में जो है वो डिवाइड कर लेने हैं वीडियोस को। उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, आप देख सकते हो
ये कुछ इस तरीके से हमारे काफी सारे डिवाइड्स हो चुके हैं। अब यहाँ पे मुझे मान लो इस वीडियो क्लिप में ये नॉर्मल आगे वाला चलेगा, इस वीडियो में मुझे जो है वो फास्ट मोशन लगाना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप उस वीडियो को चूज करोगे जिसमें आपको फास्ट मोशन या फिर स्लो मोशन लगाना है, और उसके बाद यहाँ पे साइड में आपको जो है वो एक स्पीड का ऑप्शन दिख जाएगा, ये वाला देख सकते हो आप, रेड रेड हो रहा होगा, तो इसको आपको जो है वो चूज कर लेना है। चूज करते ही यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको म्यूट कर देना है ऑडियो को। अब यहाँ पे आपको एक चीज सबसे पहले समझ लेना है कि अगर आप आगे की तरफ करोगे, मतलब कि ये जो वन दिख रहा है वन के आगे करोगे तो ये आपका जाएगा फास्ट मोशन की तरफ, बट अगर आप वन के पीछे करोगे तो ये जाएगा आपके स्लो मोशन की तरफ, ठीक है। अगर आप आगे की तरफ करते हो, एक से आगे की तरफ करते हो, तो ये आपका स्पीड तेज करेगा, बट अगर आप पीछे करते हो वन से पीछे, तो ये आपका स्पीड स्लो करेगा। तो अब हमको अपनी वीडियो में फास्ट मोशन डालना है, तो उसके लिए हमको इस तरीके से आगे करना है, ठीक है। इस वीडियो में हमने फास्ट मोशन डालना है, तो इसके लिए हमको आगे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, कुछ इस तरीके से लेकर आना है और इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अब इस वीडियो में मुझको जो है स्लो मोशन देना है, ठीक है। तो स्लो मोशन के लिए हमको करना क्या होगा, फिर से स्पीड पे क्लिक कर देना है। इस पार्ट में हमको स्लो मोशन चाहिए, तो अब आपको करना क्या, कुछ इस तरीके से वन के इस साइड स्क्रॉल करना है, ठीक है। इधर आपने स्क्रॉल कर दिया, अब यहाँ पे आपको आगे की तरफ लेकर आना है और यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब हमको ये नॉर्मल रहने देना है, ठीक है। इसमें नॉर्मल रहने देना है, फिर हमको यहाँ पे इसके ऊपर लेकर आना है और इसमें भी हमको जो है वो स्लो मोशन कर देना है, ठीक है। ये हमने कर दिया, जितना ज्यादा आपको स्लो मोशन चाहिए उतना ज्यादा आपको पीछे करना है, जितना ज्यादा आपको फास्ट मोशन चाहिए उतना ज्यादा आपको फास्ट मोशन आगे करना है, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो हमने ये कर दिया, अब यहाँ पे हमारा जो है वो काम पूरा तरीके से हो चुका है, फास्ट मोशन स्लो मोशन, फास्ट मोशन स्लो मोशन, समझ में आ गया होगा आई होप। आपको नहीं समझ में आया, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक बारी और। आपको उस वीडियो को सेलेक्ट करना है जिस वीडियो में आपको फास्ट मोशन देना है। मान लो मुझे इस वीडियो में देना है, उस वीडियो को मैंने सेलेक्ट किया, स्पीड पे गया। अगर आप आगे की तरफ करोगे तो फास्ट मोशन होगा, वन से आगे की तरफ करोगे तो फास्ट मोशन होगा, वन से पीछे की तरफ करोगे तो स्लो मोशन होगा, ठीक। इसमें हमने फास्ट मोशन करके जो है वो आगे की तरफ कर दिया वन के। अब यहाँ पे फिर से मुझे अगला क्लिप चाहिए जिसमें मुझे स्लो मोशन चाहिए, तो फिर से स्पीड पे क्लिक करना है, उस वीडियो को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हमको वन से पीछे की तरफ कर देना है, जो वन पॉइंट है उसके पीछे की तरफ करना है, 0.5 कर देना है, या फिर अगर आपको और ज्यादा चाहिए तो और ज्यादा भी आप कर सकते हो। फिर हमको ये नॉर्मल रहने देना है, जहाँ पे आपको चाहिए वो ले सकते हो, जहाँ पर नॉर्मल रहने देना है नॉर्मल रहने देना है। फिर हमको इसमें स्लो मोशन चाहिए, तो उस वीडियो को मैंने सेलेक्ट किया, स्पीड पे गया और हमको यहाँ पे वन से पीछे करना है क्योंकि हमको स्लो मोशन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया इतना। अब यहाँ पे आपका स्लो मोशन फास्ट मोशन पूरी तरीके से हो चुका है, ठीक है। कुछ भी अब आपको नहीं करना है, पूरी तरीके से आपका वीडियो जो है वो अच्छे तरीके से बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। फिर इसको हम जो है वो छोटा कर लेते हैं अपने हिसाब से। अब यहाँ पे मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ कि अभी हमारा वीडियो कैसे बना है, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं इस वीडियो को प्ले। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा स्लो मोशन फास्ट मोशन स्लो मोशन फास्ट मोशन पूरी तरीके से बनके तैयार हो जाएगा। आप इस मेथड के हिसाब से आप बना सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, आप इसी तरीके से एडिटिंग कर सकते हो, बहुत ही आसान है, आप इस तरीके से बना सकते हो, आपका जो है वो वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से किसी भी वीडियो में स्लो मोशन फास्ट मोशन लगा सकते हो, जैसे कि अभी आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप अपनी वीडियो को बना सकते हो स्लो मोशन फास्ट मोशन, बहुत ही आसान है। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। थोड़े से मैंने जो है वो लेयर में चेंजेस करे थे कि थोड़ा सा आपको समझाने के चक्कर में बना नहीं था, थोड़े से मैंने लेयर में जो है जो आपको लेयर दिख रहा है कटिंग इसमें थोड़ा सा मैंने जो है वो सुधार किए थे अभी जो वीडियो के बीच में से। तो सेम प्रोसेस रहेगा, कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो, बहुत ही आसान है जो है वो इसका जो है वो एडिटिंग। आप रील्स के लिए या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए कुछ इस तरीके से स्लो मोशन बना सकते हो, बहुत ही आसान है। तो बस यार वीडियो को यहीं पे करता हूँ समाप्त। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दो, तुम्हारा भाई जरूर से रिप्लाई करेगा। तो बस यार वीडियो को यहीं पे करता हूँ समाप्त। तो बस यार आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ इस तरीके के मेथड से आप जो है वो स्लो मोशन फास्ट मोशन की वीडियो बना सकते हो बहुत ही आसानी से। तो बस वीडियो को करता हूँ समाप्त, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राम जी की।